नमस्कार, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम किसी बेनिफिशरीज को पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, या 0 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे की कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी को हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो लाभार्थी का स्टेटस है सक्सेसफुली मैसेज दिखा देता है कि बेनिफिशरी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। बट जिस कैटेगरी के लाभार्थी को हम ऐड करते हैं, उस कैटेगरी में वो लाभार्थी का नाम शो नहीं कर पाता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है और किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, आइए इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी एक गर्भवती महिला को ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन की डिटेल्स होती है वो सभी हम लोग डालते हैं। यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन का जो नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार हम लोग यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज में भी नाम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हस्बैंड नेम, यहाँ पे जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग आधार कार्ड के अनुसार ही डालते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, कैटेगरी वगैरह जो सेलेक्ट करना होता है, आप सभी को पता ही है किस प्रकार से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। और यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी यस नो में आप लोगों को नो ही मिलेगा। क्या लाभार्थी का पहला प्रेगनेंसी है, यस और नो आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है। क्या लाभार्थी का मिसकैरेज हुआ है इससे पहले, उसमें आप लोगों को यस नो करना होता है। और यहाँ पे लास्ट मेंसुरल पीरियड यानी कि LMP डेट आप लोग डालते हैं। यहाँ पे परमानेंट टेम्प्रेरी का जो ऑप्शन है वो सभी डिटेल्स आप लोग भरते हैं, और भरने के बाद जब सबमिट करते हैं तो सक्सेसफुली मैसेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि लाभार्थी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। बट उस कैटेगरी में आप लोगों के नाम शो नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का नाम शो नहीं होता है और संख्या आपका यहाँ पर नहीं बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि अब जो न्यू अपडेट आया है पोषण ट्रैकर ऐप में, अब इस नए अपडेट के बाद अगर आप किसी भी लाभार्थी को ऐड करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले उस लाभार्थी का जो नाम है वो आप लोगों को यहाँ पर जो क्लाउड वाला ऑप्शन दिया गया है, बादल जैसा जो साइन बना है, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लाभार्थी सबसे पहले यहाँ पे शो करेगा कि वो लाभार्थी का डेटा क्या है, सही है गलत है। अगर उस लाभार्थी के डेटा में कोई गलती नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वो लाभार्थी जो है आपके एक्टिविटी लिस्ट से सीधे उस कैटेगरी में चला जाएगा जिस कैटेगरी के लाभार्थी को आपने ऐड किया है। अगर उस लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी गलत डिटेल्स भरा गया होगा तो वो आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर में शो कर देगा कि लाभार्थी का जो आधार है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, किसी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में उसका नाम ऐड हो चुका है, या फिर आधार आप लोगों का मिसमैच दिखाएगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं जो आंगनबाड़ी सेविका बहनों को आ रही है, और इससे जो है आप लोगों को फिर से वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको जो है कि आप लोग सही से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आधार वगैरह सही डालेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि 5 मोबाइल नंबर डालने के बाद 6ठा मोबाइल नंबर से आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आप लोगों का यहाँ पर जो है कि आपको पेंडिंग में चला जाएगा और आपका वहाँ पे लाभार्थी जो है आपके कैटेगरी में नहीं जा पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग 5 लाभार्थी को एक बार में ऐड करते हैं 1 मोबाइल नंबर से, तो फिर दूसरे लाभार्थी को ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज करके फिर आप उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो आपका 70 से 80% आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से भी नहीं होता है, आंगनबाड़ी सेविका बहने कहती हैं कि हमारा पोषण ट्रैकर ऐप में इस प्रकार से भी रजिस्ट्रेशन जो करते हैं तो नहीं हो पाता है, अगर इतना करने के बाद भी आप लोगों का प्रॉब्लम सही नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करके फिर से री लॉग इन करेंगे तो जो आप लोगों का प्रॉब्लम है वो 90% तक ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी बेनिफिशरीज को न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अपने कैटेगरी में भेज सकते हैं, जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये न्यू अपडेट के बाद आप लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है, और आप लोगों को आधार वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग जो भी डिटेल्स डालेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय, एट ए टाइम आप लोगों का आधार वेरीफाई हो जाएगा, और आधार वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वो लाभार्थी आ जाएगा। ठीक है, पेंडिंग में दिखाएगा तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो लाभार्थी वहाँ पे चला जाएगा, कुछ गलत डिटेल्स नहीं भरा होगा आपने। तो अगर डिटेल्स में मिसमैच दिखाता है तो आप लोग यहाँ पे उसको सुधार करके फिर से भर सकते हैं, तो आपका लाभार्थी यहाँ पे 100% जो है कि आपके कैटेगरी में ऐड हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी भवनों तक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।